वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो नए वीडियो में आपका सबका स्वागत है। तो आज तो दोस्त लोग मिलकर एक खास जगह पर जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं वो कुछ देर बाद बताऊंगा, क्योंकि आप बताने से आप लोग वीडियो स्किप भी कर सकते हो, इसलिए थोड़ा बाद में बताऊंगा। हम फ्यूल अप करने जा रहे हैं आगे। तो फ्रेंड्स, आप जो जो मुझको अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो तो जल्दी से जल्दी जाओ फॉलो कर दो इंस्टाग्राम पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोग में शेयर कर दो, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझको। तो आज जो इस जगह पर जा रहे हो बहुत ख़ास जगह है, जानते होंगे बहुत सारे लोग इस जगह का नाम। तो और क्या, मेरे पिछले जो वीडियो जिस लोगों ने अभी तक नहीं देखे होंगे वो जल्दी से जल्दी जाओ और देख लो। तो फ्यूल अप करने के बाद आपके साथ मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली फ्यूल भरना हो गया ख़त्म। तो अब हम रोड से जा रहे हैं, देखो इस जगह का नज़ारा। तो जो बात, हम आज जा रहे हैं आंदुलपोता, उस जगह का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाजवाब। मैं सुना हूँ, मैं पहली बार ही जा रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ कि एक ब्लॉग ही बना लिया जाए। तो सोचा कि एक ब्लॉग ही बना लिया जाए। तो हमारे साथ और भी 3 दोस्त जा रहे हैं। दोस्त मतलब हमसे बड़ा है, एज में बहुत बड़ा है, पर दोस्त है। तो आई होप कि उस जगह आपको पसंद आएगी, आशा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो भी है यूट्यूब पे आंदुलपोता। और आंदुलपोता हमारी घर से 30 या 35 किलोमीटर दूरी पर ही है। तो कभी नहीं गए, ये पहली बार जा रहे हैं हम। तो देखो, और आसमान का हालात देखो, बारिश तो देना ही देना है आज। तो आसमान का हालात देखो आगे, बारिश तो आएगा। हम जब भी निकलते हैं, परसों निकले थे वीडियो करने के लिए, तब भी बारिश आया था। आज निकले हैं, आज भी बारिश, क्या करे भाई, आएगा। यहाँ आसमान का हालत देखो भाई साहब, और ये अंकल तो हमारी लेन पे आ गए हैं, उधर से नहीं गए। देखो अंधेरा हो रहा है, थोड़ी देर में बारिश भी आ जाएगा, इससे ही डर लगता है। गोप्रो वाटरप्रूफ है, पर जब वो माइक अडैप्टर लगा होता है तब तो वाटरप्रूफ नहीं रहता ये। तो क्या करे, बारिश तो थोड़ी देर में आ ही जाएगा। तो देखो आसमान, और इस टाइम मौसम तो बहुत अच्छा है। तो जो भी हो, मौसम अच्छा है, बहुत अच्छा है, लाजवाब। किसी से तुलना नहीं करना चाहिए इस मौसम को। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ लेने के लिए सोच रहा हूँ। तो बारिश गिरना चालू हो गया है, तो कुछ देर बाद आपके साथ मिलते हैं जब बारिश बंद होगा। हम जा रहे हैं आंदुलपोता। तो ये पहली बार हम जा रहे हैं, तो आसमान देखो, एक साइड का कलर नील है और एक साइड काला हो गया, देखो एक साइड का। और बारिश में
डर लगता है इसके स्कूटी में, क्योंकि ये भी ऐसा नहीं है इसमें डीज दिया हुआ है, चकनाचूर कर देगा एक ब्रेक से, एक ब्रेक में चकनाचूर हो जाएगा मेरी गाड़ी, मेरा गाड़ी। तो ये जो सामने जा रहा है ये भी हमारा दोस्त है, वो मतलब हमसे बड़े है पर हम फिर दोस्त की तरह ही रहते हैं। आगे का आसमान देखो कितना सुंदर लग रहा है, बारिश के बाद आसमान का कलर ही कुछ अलग हो जाता है। तो आप एंजॉय करो वीडियो को, जितना गर्मी था ना आज क्या ही बताए, बहुत गर्मी था आज सुबह से। तो आपके साथ आगे जाकर मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स देखो मीठी मीठी धूप निकल गई है, भगवान ने हमारा बात सुन लिया, क्योंकि हम इतना मेहनत से जाए एक जगह पर तो बारिश देंगे तो बहुत ख़राब हो जाएगा। तो देखो दो साइड का मौसम और व्यू देखो, तो रास्ते का हालत बहुत ही ख़राब है, देखो ब्रेक मारने से चाका स्किप कर जाएगा। और सामने देखो क्या हालत है। हाँ ठीक है, रास्ता अच्छा होता तो और भी मजा आता। इधर पर काम हो रहे हैं, देखो रास्ता पूरे रास्ते ही ऐसा है। तो फ्रेंड्स अभी तो हम जा रहे हैं विलेज के अंदर से, ये बादुरिया है, तो इस जगह से हम जा रहे हैं। तो जिन जो लोग इधर पे आना चाहते हैं तो उन लोग के लिए डायरेक्शन देता हूँ कि वो लोग जिसका जिनका घर बोनगा की तरफ या कलकत्ता की तरफ हो तो वो लोग पहले मुस्लिमपुर स्टेशन पे उतरना, देन मुस्लिमपुर स्टेशन पे उतरने के बाद उधर से डी एन ट्वेल्व के बस जाता है, वो बस से आप बोशियर जाना, तो बस से आप बोशियाट जाने के बाद अंतुल पोता बोलना, तो सब लोग ही जानते हैं उस जगह का। तो बोशियाट के उतरने के बाद अंतुल पोता चले जाना, कुछ भी पकड़ के चले जाना। तो हम तो अभी जा रहे हैं, मौसम अच्छा है देखो भाई साहब, मजा आ गया आने में, आसमान देखो। तो फ्रेंड्स हम उस जगह पर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और थोड़ी दूरी में ही वो जगह है, तो देखो इधर में बहुत धूप भी बहुत तेज है, तो धूप बहुत तेज हो रहा है, मौसम पूरा ही अलग है। और उस साइड में तो बारिश हो रहा था, तो हम
उधर पे जाकर ही आपके साथ मिलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम फाइनली पहुंच गए, तो देखो ये अंदुल पोता इस साइड पे। तो ये देखो, वासम लग रहा है भाई, कोई तुलना ही नहीं है इसके साथ, किसी का कंपेयर नहीं करना चाहिए भाई साहब। तो बने रहिए, अब बहुत अच्छा चीज दिखने को मिलेगा। बस आसमान को देखो भाई साहब, और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स इतना टाइम में बोलने का लाइक नहीं था, तो देखो इतना खुश हुआ था कि बोलने के लाइक ही नहीं था। तो देखो इस जगह का व्यू, क्या बताऊंगा इस जगह का व्यू के बारे में, क्या बताएं, जो भी बताऊंगा वो भी कम पड़ जाएगा इस जगह का व्यू के बारे में। ओ भाई साहब, इस जगह का जो वेदर है ना भाई लोग, क्या बताऊं, जो भी बताऊंगा वही कम पड़ जाएगा। तो देखो दिल खुश हो गया। हाँ बोलू, मन इतना खुश हो गया। तो थोड़ा फॉरवर्ड तो पीछे है,
में मिल जाएगा, और हम मेरा इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, तो उधर पे जाकर मुझको फॉलो कर लेना जल्दी से जल्दी, ताकि आपको ये वीडियो मिस ना हो, वीडियो मतलब पिक्चर। वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ठीक है? तो थोड़ा फोटो खींचते। तुम क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में, तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरी आंखों के प्यालों में, तू मेरे ख्वाबों में जवाबों में सवालों में, हर दिन चुरा तुम्हें मिलाता हूँ ख्यालों में, क्या मुझे प्यार तो फ्रेंड्स, घूमना कंप्लीट हो गया है हमारा, और अंधेरा भी हो रहा है। टाइम हो रहा है 5:06 बज गया है, 6 PM। तो देखो, और सनसेट हो रहा है उधर पे, तो उस जगह को देखो क्या लग रहा है, ब्यूटीफुल। छोटा दीघा है, मिनी दीघा, जस्ट जोकिंग ब्रो, और कुछ नहीं। हाँ, बहुत अच्छा है, इस प्लेस बहुत अच्छा है, ये बात बताऊंगा कि बहुत अच्छा है, और कोई बात नहीं, और बहुत अच्छा। तो आज की वीडियो इधर पर ही ख़त्म करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को, और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन हो, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, तो टाटा, बाय बाय।